हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, सिद्धारमैया जी ने बोला है पुलिस को कि प्लीज़ ऐसे केसेस को क्रैक डाउन करो जिसमें हेट स्पीच हो, जिसमें फेक न्यूज़ हो, इन सबको हटाओ। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे ये बात कर रहे हैं मॉरल पुलिसिंग की, कह रहे हैं कि भाई तुम अपना पुलिस एक्टिविज्म, जैसे जुडिशियल एक्टिविज़म होता है, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ पुलिस एक्टिविज़म करो, ये सारी चीज़ों को हटाओ। देखते हैं क्या है। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ऑन फ्राइडे ऑर्डर दी स्टेट पुलिस टू बुक सू मोटो केसेस एंड टेक स्टर्न एक्शन इन केस ऑफ फेक न्यूज, हेट स्पीच एंड मोरल पुलिसिंग। लॉ एंड ऑर्डर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड वी विल नॉट टॉलरेट इन एनी वन हु डिस्टर्ब्स पीस। यहाँ पे सही बात इन्होंने बोली है, जो भी पीस को डिस्टर्ब कर रहा है उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, स्टर्न एक्शन लिया जाए उसके खिलाफ, यही बात हो रही है। ठीक है, एनुअल कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में इन्होंने बोला, वी हैव जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनीबडी हु टेक्स लॉ इनटू देयर ओन हैंड। भैया हाथ में लॉ मत लो, क्योंकि इनका जीरो टॉलरेंस है, सुन लो। हुएवर डेट इज, वॉट एवर देयर रिलीजन और पार्टी एफिलिएशन। अगर ऐसा हो जाए ना यार, देखो कह तो सब लोग देते हैं डिस्पाइट ऑफ देयर रिलीजन हम उस पर एक्शन लेंगे, पर मैं चाहता हूँ ऐसा हो। अगर ऐसा होगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा, वो कोई भी रिलीजन का हो। हमें कोई भी एक्शन लेने से पहले अगर कोई गलत काम कर रहा है उसका रिलीजन नहीं देखना चाहिए। आप भी हैं, आप भी कल को बड़े आदमी बनेंगे, और हो सकता है कोई अलग अलग फील्ड में अपने लाइफ के अच्छा करे। कभी किसी के साथ कोई परेशानी हो, अगर वो आपके धर्म का ही आदमी आपके साथ गलत कर रहा है, तो क्या आप ये मान के छोड़ देंगे कि अरे यार अपने ही धर्म का तो है, छोड़ो ना। ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए ये पॉलिटिकल लेवल पे भी नहीं होना चाहिए। आप इसको प्रमोट करेंगे तो शायद आप यहाँ पे सेफ रहेंगे और आपके जैसे कई लोग सेफ रहेंगे, पर ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है मेरे हिसाब से। वी वॉन्ट टू इंश्योर दैट देर इज़ नो कम्यूनल वायलेंस। चलो ये इंश्योर करते रहे, पर ऐसा तो होगा नहीं। खैर, एक्शन शुड बी टेकन बाय रजिस्टरिंग अ वॉलंटियर FIR अगेंस्ट डोज हु डिस्टर्ब पीस ऑफ सोसाइटी। बहुत अच्छा। डिसिप्लिनरी एक्शन इज यूजुअली टेकन अगेंस्ट जूनियर ऑफिशियल एंड नॉट अगेंस्ट सीनियर। वी हैव डिसाइडेड टू होल्ड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द पुलिस एंड सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द पुलिस रिस्पॉन्सिबल फॉर अनचेक क्राइम एंड ऑर्गेनाइज लीगल एक्टिविटीज इन देयर ज्यूरिसडिक्शन एंड टेक एक्शन अगेंस्ट देम। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई एक्शन लो, जो अनचेक क्राइम है, इलीगल एक्टिविटीज़ है, उसके अगेंस्ट एक्शन लो। ठीक है, ऐसा बता रहा है। एडिंग दैट नो क्राइम कुड हैपन विदाउट द ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर्स नॉलेज। ठीक है, सही कह रहे हैं, पुलिस के अंदर ही कई बार क्राइम हो जाता है। ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड सीनियर ऑफिशियल टू नॉट टू विजिट पुलिस स्टेशन बट ऑल्सो बी ऑन द ग्राउंड एंड पेट्रोल द स्ट्रीट रेगुलरली। ठीक है, तो सीनियर ऑफिसर लोग घर पे बैठ के बस पुलिस स्टेशन में पहुंच के फ़ोन मत करो, रोड पे भी जाओ और पता करो कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। ऐसे हमारे CM साहब कह रहे हैं। होम मिनिस्टर जी परमेश्वरा, हु वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग, रिपोर्टेडली टुक ऑब्जेक्शन टू इंस्टेंस ऑफ पुलिस ऑफिशियल देमसेल्फ आइडेंटिफाइंग विद द हिंदुत्व राइट विंग एंड वॉन्ट ऑफिशियल दैट द गवर्नमेंट वुड नॉट टॉलरेट इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। मिस्टर सिद्धारमैया सेड थ्रस्ट इज ऑल्सो ऑन रूटिंग आउट ड्रग मेनेंस कम्प्लीटली। देखो, मैं इसके बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर ये लोग ऐसा सही में हटाना चाह रहे हैं तो भैया जाके जो कॉलेजेस खुले होंगे ना, उनके बच्चे किसी किसी हॉस्टल में रह रहे होंगे, वहाँ पे चेक करो, तब तुमको पता चलेगा ड्रग्स होता कहाँ से है। तो ये मेरा उन लोग के लिए एडवाइस है, अगर वीडियो पहुँच जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं पहुँचे तो कोई बात नहीं, हम सिस्टम में पहुँच के खुद ही ठीक कर देंगे सिस्टम को। आई हैव आस्क द ऑफिशियल टू लॉन्च स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट नारकोटिक्स इन द स्टेट पर्टिकुलरली इन बेंगलुरु, ही सेड। द कर्नाटका, चलिए ये तो अलग आर्टिकल हो गया। खैर, क्या है, डोंट टेक एक्शन अगेंस्ट टीवी चैनल टिल सेप्टेम्बर। ठीक है, मेरे को इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, क्यों लोगे टीवी चैनल के अगेंस्ट एक्शन। यहाँ पे इनका राइट टू स्पीच वाला जो होता है उसमें, खैर राइट टू स्पीच नहीं है, राइट टू ब्रॉडकास्ट होगा इनका आर्टिकल 21 के थ्रू, तो वो बात आ जाएगी। देखते हैं क्या टिल आ सकते हैं आज तक हिंदी न्यूज़ चैनल। ठीक है, मेरे को इतना वो नहीं लग रहा है, ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे हमने बात की हेट स्पीच की, देखिए देख लेते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पे हमने बात की हेट स्पीच की, दूसरी बात की हमने मोरल पुलिसिंग की, यहाँ पे हमने बात की कि ऐसा अपने CM साहब कह रहे हैं, यहाँ पे बात कह रहे हैं रिलीजन को मत देखो, कोई भी हो कुछ भी हो गलत कर रहा है तो उसको सूट दो वहीं पर, कम्यूनल वायलेंस को हटाओ, COMMUNL। ठीक है, कम्युनल वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो
तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। अगर कोई दूसरा गंदा है तो तुम क्यों गंदे बन रहे हो, उसको ढंग से मारो ना। रोड पे उतर के मारने का कोई तरीका नहीं बैठता है, ढंग से मारो कि उठ ना पाए। और मारो तब भाई जब तुम्हारी गलती नहीं है। अगर गलती है तुम्हारी और कोई कुछ कह रहा है तो सुनो भी और उसको एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी गलती है, तभी देश आगे बढ़ेगा। और वायलेंस में कुछ नहीं रखा है, लॉ है अपना, सुप्रीम कोर्ट है अपने, बहुत अच्छे चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़, उनकी बात मानो और लॉ को अपने हाथ में मत लो, लॉ के थ्रू करो। हमें आज़ादी भी मिली उसमें लॉ का बहुत बड़ा हाथ है, सिर्फ लड़के कट के मर के आज़ादी नहीं मिली है, मिली है उसके बिना भी नहीं मिली है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसके बिना मिली है, पर दोनों चीज़ें साथ में चलो, स्ट्रांग रहो पर लॉ को भी हाथ में लेके चलो कि लॉ को मानो। अब ये नहीं कि तोड़ते हुए चलो, तो तुम्हारे में उनके में अंतर नहीं रहेगा, बात बस इतनी सी है। तो आप लोग भी प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।